हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रसोई दिल से में। कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल के पकौड़े। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली हुई है अरहर की दाल। ये मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सारी दालों को फुलो के रख दिया था। इसके बाद मैंने ली हुई उड़द दाल, ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। इसके बाद मैंने ली हुई है चने की दाल। जी हाँ, सभी दालों को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसके बाद मैंने ली हुई है मसूर की दाल, जिसे हम मलका की दाल भी कहते हैं, रेड कलर की। ये बिना छिलके वाली सारी दालें हैं। आप छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मूंग की दाल है बिना छिलके वाली। इन सभी दालों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी इनका निकाल दिया। अब इसको मैं सभी को दालों को मिक्स करके एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूँगी, जिससे कि मैं इनका अच्छा बारीक पेस्ट बना सकूँ। आप थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं और बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बारीक से थोड़ा मीडियम होता है ना, वो दरदरा सा, उस तरीके का रखिए। उससे रवेदार से क्या होता है कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये सारी दालें मैंने कन्वर्ट डाल दी हैं इसमें। इसके बाद मैंने डाल दी है ये 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधी इंच से ज़्यादा अदरक। इसमें अदरक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़े से खड़े धने। आप इन मसालों को भून के भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला और हींग, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा से लाल मिर्च। ये मैंने 2-3 लिया, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है वो इस तरीके से हो गया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करा। यहाँ मैंने एक पतीला रख दिया है पानी का, उसके ऊपर मैंने एक छन्नी को ढांक दिया है बॉयल होने तक, जिस इसी में हम भाप में इन पकौड़ों को पकाएंगे। इसमें ना ही ऑयल का यूज़ किया जाता है ना ही घी का। ये बस हम इस ज़रा सा ग्रीस कर देंगे, जिससे कि जो हमारे पकौड़े हैं वो चिपके ना हो। ये भी हम एक ही बार ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम बार बार बनाते रहेंगे तो हमें ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने डाला हुआ है हरा धनिया और हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें वैसे भी हमने पहले से सारे मसाले डाल दिए थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। ये देखिए मैंने इसमें और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। आप इसमें काले नमक का यूज़, काली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे और अच्छी तरह से मिलाऊंगी और उसके बाद मैं पकौड़ा बनाना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए मैंने चाट मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा कम लग रहा था, अच्छा चटपटा टेस्ट आ जाएगा, जिसमें आप इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिलाती जा रही हूँ मैंने, जिससे कि सारे मसाले, चाट मसाला, नमक हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसमें ओनियन भी डाल सकते हैं, बस मुझे ओनियन का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता। अब मैं हाथ में थोड़ा सा पानी से मैंने गीला किया, ये देखिए, और जिस तरीके से हम दही बड़े बनाते हैं ना, उस तरीके से मैं थोड़ा सा इसका पोर्शन लूँगी और इसे गोल करके हाथों की मैं बीच से दबा के, जैसे हम दही बड़े के लिए बनाते हैं उस तरीके से हम बनाएंगे। और जो हमने ये ग्रीस करके प्लेट रखी हुई है ना, ये पतीले के ऊपर जिसमें पानी भरा हुआ था, इसमें मैं एक के बाद एक उसी प्रोसेस से सारे के सारे बना लूँगी। अभी इसमें मेरे एक बार में 4 आ रहे हैं। यदि आपके पास और बड़ा पतीला या और कोई बड़ा बर्तन है तो उसमें और आप ज़्यादा बना सकते हैं, या स्टेनर की जगह आप इसमें कोई कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसको मैंने ढक दिया है और गैस की फ्लेम कर दी है मैंने मीडियम पे, और इसको मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए 15 से 20 मिनट बाद ये थोड़े हल्के से फूल गए हैं ना, और ये टाइट भी हो गए, मतलब पक चुके हैं। ये देखिए हम थोड़े से नाइफ की हेल्प से इसको जो नीचे की पत है इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, और हम क्या करेंगे इनको निकाल लेंगे। देखिए अब मैंने स्पून की हेल्प से, काफ़ी गर्म है, इसको आप हेल्पफुल केयरफुल होकर कीजिए। इस तरीके से मैं क्या करूँगी, सारे जो पकौड़े हैं इनको मैं पलट लूँगी। ये देखिए हमारे आसानी से पकौड़े पलट रहे हैं। मैंने थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से इसे लूज़ कर दिया था, और सारे पकौड़ों को मैंने क्या कर लिया है, पलट लिया है। थोड़ी ज़्यादा गर्म है। उसके बाद मैं फिर एक बार और लिड लगा के इसको 10 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए, हमारे पकौड़े बन के तैयार है, काफ़ी टेस्टी होते हैं। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंजलि रसोई दिल से, बाय बाय।